निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना काल ने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर प्रहार किया है, तो वहीं कई अभिभावक ऐसे हैं जिनका या तो व्यापार समाप्त हो गया है या फिर नौकरी चली गई है। ऐसे में निजी स्कूलों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कोलार के मानसरोवर स्कूल में अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन शासन के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, लगातार फीस की मांग कर बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही स्कूल शिक्षण शुल्क के साथ अन्य शुल्क भी जोड़कर मांगे जा रहे हैं, वहीं लेट फीस के नाम पर भी पैसा वसूला जा रहा है और ऑनलाइन परीक्षा की बोलकर परिजनों पर 5 महीने की फीस एक साथ जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। मामला ये है कि हम लोग चाहते हैं कि फीस कम की जाए, अप्रैल से कम लेके अभी तक के 4 महीने की फीस ले रहे हैं, हम चाहते हैं आधी कर दी जाए। हम लोग बहुत परेशान है, किराया देना कहाँ से देंगे, पूरे धंधे बंद पड़े हुए। अभी स्कूल वाले कह रहे हैं अप्रैल की फीस नहीं लेंगे, बाकी हम 3 महीने की फीस पूरी लेंगे। तो पहले तो फीस की मांग है कि फीस कम की जाए, क्योंकि पिछली बार जो फीस थी वो महीने की फीस जो ट्यूशन फीस केवल दी जाती देखी जाती है, तो 7th क्लास की जो थी वो 1650 रुपए थी और इस बार उन्होंने 1980 रुपए कट दिए। ना इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, ना मेंटेनेंस चार्जेस आ रहा है, ना स्वीपर का चार्जेस आ रहा है, ना लैब चार्जेस आ रहे हैं, तो किस चीज़ के आप पैसे बढ़ा रहे हैं और लेट फीस भी ले रहे हैं बच्चों से।